हेलो फ्रेंड्स, अगर हम डीजे स्पीकर की बात करें और मन में डीजे स्टोन या जेब्रोनिक्स ब्रांड का नाम ना है, ऐसा मजा नहीं आएगा। तो फिलहाल आज का जो पर्पस है वो है जेब्रोनिक्स का रॉकस्टार 2x12L3 डीजे स्पीकर से संबंधित। ये फ्रेंड उनके लिए उपयुक्त है जो सिंगिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर में गुरुजी का सत्संग होता है, कीर्तन होता है, पाठ पूजा होती है। इसके अलावा अगर आपका फार्म हाउस है या घर में बड़ा हॉल है तो इस प्रकार का डीजे ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिंगिंग करनी है, आप सॉन्ग्स को एंजॉय भी कर सकते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो साइड बाय साइड डीजे का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बड़ा भी आप डीजे कर सकते हैं। जैसे कटिहार में अमरेंद्र भैया ने स्टार्ट किया था, उन्होंने हमसे 15 इंची डबल का डीजे लिया था, उसके बाद उन्होंने हमसे 18 इंची का भी लिया था, पोर्टेबल स्पीकर भी लिए थे और उन्होंने अलग से डीजे सेटअप भी बनाया। बड़े लेवल पे काम हो गया। तो एक्टिव इनकम साथ पैसिव इनकम का होना भी अनिवार्य है। फिलहाल ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आज बात कर रहा हूँ वो है जेब्रोनिक्स का रॉकस्टार। लुक देखिए कितनी एलिगेंट है, ओवर लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है। ये उनके लिए भी अच्छा है जो लाइटिंग पसंद नहीं करते, सिंपल सा सीधा साधा डीजे पसंद करते हैं। चर्च में यूज करना है आप चर्च में यूज कर लो, मंदिर में कहीं भेंट करना है अगर आपको गिफ्ट करना है आप हमें मंदिर का भी एड्रेस दे सकते हैं, हम उधर भी भिजवा सकते हैं। बाकी हम ऑल ओवर इंडिया COD की फैसिलिटी देते हैं। आमतौर पर 10% एडवांस, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। तो फिलहाल अभी अगर हम ड्राइवर साइज की बात करें तो ये 12 इंची डबल मैन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फुल रेंज ड्राइवर होता है। फुल रेंज ड्राइवर 12 इंची इधर है, 12 इंची इधर है। सपोर्ट के लिए उन्होंने बीच में वुड भी दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक इधर है, एक इधर है और ऊपर हाइस तक लगी हुई है। बाकी अगर आपको मौका देना तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो इंडियन ई-कॉमर्स सेलर्स या इंडियन सेलर्स को दीजिए करिए। जरूरी नहीं कि हमें सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल वेबसाइट से लेने हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्रोडक्ट से संबंधित डिटेल में जानकारी देने के लिए और मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको प्रॉपर जानकारी दी जाए। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सेसरीज दिखा देता हूँ क्या क्या एक्सेसरीज साथ में मिलती है। फ्रेंड इस प्रकार की कॉर्ड मिलती है, केबल, इसको आपने क्या करना होता है, ये जैसे ब्लू है, ठीक है, इसकी दोनों इस तरह जैसे ब्लू है और साइड में अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रांसपेरेंट है, तो जो ब्लू को है वो पॉजिटिव में लगाना यानी कि रेड में, ट्रांसपेरेंट को लगाना ब्लैक में। तो इस प्रकार की कॉर्ड आती है, इस प्रकार की RC to RCA केबल आती है जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का आपको QR कोड मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है जैसे कि आप देख रहे हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है, म्यूट का बटन है। बाकी इस प्रोडक्ट के अंदर रिकॉर्डिंग का भी एक फीचर है, ठीक है जी। बाकी मैंने डायरेक्ट इसमें जो देखा जाए आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, माइक वगैरह क्या क्या आते हैं वो भी आप देख लीजिए। इस प्रकार का एक माइक आता है जैसे कि आप देख रहे हैं और बाकी डिस्प्ले वाले हैं, UHF माइक है और बाकी इसके अंदर सेल डाले हैं, सेल आते नहीं है, ये देखिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 795.85 MHz, मैं रिपीट कर रहा हूँ 795.85, ये हो गया आपका UHF नंबर 1 माइक। ये दूसरा माइक है, ये देखिए, ये है 770.85। तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया कि इसमें एसेसरीज क्या क्या आती है। फ्रेंड इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ का वर्जन है 4.2, इसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ज़्यादातर जो पेन ड्राइव होते हैं 32 GB तक चलते हैं, इसमें 64 GB तक चलती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 64 GB तक चलती है। और बाकी 7x इक्वलाइजर में है, डिले का फंक्शन है, क्योंकि बोलते हैं ना भैया सिंगिंग करने थोड़ा डिले का फीचर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सोने पे सुहाग हो जाए, इसमें डिले का भी फीचर है। और फ्रेंड ये देखिए, मैं ये देखिए 7x इक्वलाइजर में है, इसको कभी भी यूज़ करना हो ना, पहले स्टार्टिंग में ये देखिए यहाँ कर लीजिएगा सेंटर में, ये देखिए कितना मक्खन जैसे स्लाइड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना और मैं बाकी आपको दिखाना चाहूँगा। इसको जैसे एडजस्ट कर लेना, ये आपका माइक 1 है, यानी कि माइक 2 लगाना चाहो तो लगा सकते, 2 माइक तो आ ही रहे हैं, 2 माइक आप लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को। ये गिटार का बोर्ड है, इसमें देखा जाए ऑक्टा पैड वगैरह लगाना हो या गिटार लगाना हो, इलेक्ट्रॉनिक तबला लगाना जिसका जैक 6.5 mm हो तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, गिटार का वॉल्यूम है, ये माइक का वॉल्यूम है, ये माइक का बेस एडजस्ट कर सकते हैं, माइक का ट्रेबल,
इको और यहाँ पे आप डिले, ये डिले है। डिस्प्ले एरिया देख रहे हैं, जैसे कि ये है माइक ऑन ऑफ का है, देख रहे हैं जैसे प्रायोरिटी का ऑप्शन होता है। यहाँ से सिस्टम का बेस एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप सिस्टम का ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम। फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे बटन थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ ही है। अगर आप इसको ऊपर कर देते हो तो इसमें जो ब्लूटूथ है पेन ड्राइव वो काम नहीं करेगा। आपको सिंपली ये बटन दबा के रखना है, दबा के रखोगे तो आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ चला सकते हो, ठीक है। अगर इसका जो पोर्ट है ना, अगर ऊपर की तरफ हो जाता है और ऐसे ये बटन ऊपर जब करते हो तो बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑक्स है वो कार्यरत रहेगा। और जैसे मैंने आपको केबल बताई थी ना ब्लू वाली, तो ब्लू को रेड में लगाना और ट्रांसपेरेंट को ब्लैक में, सेम ऐसे करना है, रेड में ब्लू, काले वाले में ब्लैक। बाकी माइक होल्डर वगैरह बैक साइड में दिया हुआ है और जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी आप बताना आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो कैसा लगा कैसा नहीं, उसका फीडबैक जरूर बताना। और बाकी मैं कोशिश करता रहता हूँ आप सबके लिए वीडियोस बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। बाकी कैरोकी कंपैटिबल है, रिकॉर्डिंग का फीचर है, बाकी इसमें कैरोकी रिकॉर्डिंग जो होता है डायरेक्टली नहीं होता, आपके संज्ञान के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। कभी कभी आप पूछते हो तो यार जो पेन ड्राइव है ना वो तो मैं लगा लूँगा, फॉर्मेट क्या क्या सपोर्ट करता है? देखिए MP3, WMA, WAV फाइल सपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी एक काम करता हूँ, जैसे इसके हाइट क्या है, डायमेंशन क्या है, ठीक है, इंपीडेंस के बारे में पूछते हो, ऐसे रेशियो वगैरह के पूछते हो, सेपरेशन के बारे में पूछते हो, तो जो इनकी वेबसाइट में ना डिटेल होगी ना, मैं ना इस तरह कोने में दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना और बताना जरूर आपके लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कैसा लगा कैसा नहीं। और हो सके ये वीडियो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है आप मेरे यहाँ पे आके भी बाय कर सकते हैं। मैं हूँ दिल्ली से हूँ जी, वेस्ट दिल्ली से हूँ और सुभाष नगर से। मेरे यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है टैगोर गार्डन, जी हाँ सही सुना, टैगोर गार्डन मेरा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। सुभाष नगर से हूँ एग्जैक्ट और शिपमेंट मेरी दिल्ली से आती है। COD की फैसिलिटी हम देते हैं, 10% एडवांस लेते हैं, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय कैश लेता है। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप हो सके तो हमें सपोर्ट जरूर करना। और अगर आप पूछते हो इनको भी यार 10% एडवांस क्यों लेते हैं, फ्रेंड 10% एडवांस इसलिए लेते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप पे कर दें एक टोकन अमाउंट देके। कई लोग तो फेक ऑर्डर्स भी कर देते हैं, डिलीवरी टाइम पेमेंट नहीं करते, बोलेंगे भैया सैलरी नहीं आई, पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, बाद में लूँगा, तो उनके लिए बात हो जाएगा, उनको दर्द नहीं हुआ। आप खुद सोचो अगर मैं आपसे सामान परचेज कर रहा हूँ, आपसे चाहोगे ना सारा पैसा आ जाए, फिर मैं एटलीस्ट COD की फैसिलिटी दे रहा हूँ तो पूरा अमाउंट तो ले नहीं रहा। जिसने लेना भी होता है ना 10 क्या वो 50% भी डाल देता है, यार परसेंट डिपेंड करता है। बाकी निश्चिंत रहिए, और अगर आप हमसे प्रोडक्ट बाय करते हैं अच्छी तरह पैक करके भेजते हैं, तसल्ली से पैक करते हैं। अगर आप बोलोगे डिंगो के सामान चेक कर देना तो मैं आपके लिए डीजे चेक करके भी भेज दूंगा, कोई शर्माने वाली बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी हो सके तो सपोर्ट जरूर करो। और बाकी आप देख सकते हैं मेरी कमर से ऊपर तक ही है, तो सही है। तो एक काम करते हैं ना फ्रेंड, एक ट्रैक चलाते हैं, ऑडियो ट्रैक, चलिए ट्रैक चलाते हैं, ऑडियो ट्रैक, चलिए चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्यारा सा एक ट्रैक चलाता हूँ जिसके अंदर कुछ वोकल्स भी सुनाई दे, कुछ बेस का भी आइडिया लगे। बाकी अगर आपको लेना है तो परचेज का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब की। बाकी हो सके तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आ भी रहा होगा। तो फिलहाल एक ट्रैक चला दे अपने भाई बहनों के लिए, ये देखिए। Can't nobody do it just like I like. Really, you got just what I like. Come on, baby, let's kiss and fight. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Just say the word, baby, I'ma kiss you right. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. What you wanna do? Tell me what you like. Amazing, amazing. फ्रेंड आपको प्रोडक्ट कैसा लगा कैसा नहीं जरूर बताइएगा। और आपके लिए मैंने ट्रैक चलाया और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी देने की चेष्टा करी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ये आप चाहो तो अपने फार्म हाउस के लिए, या आपका हॉल रूम काफ़ी बड़ा हो, होली के लिए, नए साल के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, बिहू के त्यौहार के लिए, जो भी आपको
ओकेजनल अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी के लिए, या अगर आपका टेरेस है टेरेस में यूज करिए, अगर आपका खुला एरिया गुरु जी का सत्संग करते हैं उसमें यूज करिए, पाठ पूजा करते हैं उसमें यूज करिए, चर्च में यूज करना है चर्च में यूज करो, बिकॉज जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है चर्च वाले थोड़ा सा बोलते भी हैं टिंकू भैया मेरे को जो चाहिए चर्च के लिए चाहिए बट लाइटिंग नहीं चाहिए, तो इसमें लाइटिंग नहीं है ठीक है। और बाकी किसी को लाइटिंग वाला स्पीकर लेना हो ना तो जेब्रॉनिस का एक माइटी प्लस एलईडी लाइट वाला भी आता है, यहाँ पे इमेज है उसका परचेज लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लेना, यहाँ डाल देता हूँ माइटी प्लस एलईडी लाइट, अगर यहाँ जगह नहीं बन रही हो तो यहाँ डाल दूंगा। अभी तो अन्यथा अगर आपको 15 इंची डबल में चाहिए हो तो एक आता है इसका डीजे स्टोन का मॉडल नेम आता है ब्लास्ट, तो नीचे से ऊपर तक लाइट ही लाइट है उसमें, बड़ा गजब का प्रोडक्ट है, तो उसकी भी फोटो मैं साइड में डाल दूंगा, परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल ज्यादा भटकते नहीं है मेन, अभी हम जेब्रॉनिस के रॉकस्टार के बारे में बात कर रहे हैं 2x12L3, तो उसमें मैंने आपके लिए ऑडियो ट्रैक चलाया, थोड़ा सा कैमरा मैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा बहुत ये साइड का बटन बताने में भूल गया था। ये देखिए फ्रेंड जो मोड बटन है ना, मोड ये मोड है EQ का है, बाकी बस ये बताना भूल गया था, बैक साइड का कनेक्शन मैं दिखा देता हूँ जैसे मैं आपको बता रहा था। चलिए सर मैं आपको बैक साइड का कनेक्शन दिखाता हूँ, ये देखिएगा जो रेड वाला है ना उसको रेड में लगाइएगा, और उस तरह की विजिबिलिटी कम लग रही हो, रेड मतलब जो आपका ब्लू वाला है उसको रेड में लगाइएगा, रेड वाला मैं इसको कहना चाह रहा था क्योंकि हमने रेड में लगाना है, ये ब्लू है यानी कि पॉजिटिव, ये जो ट्रांसपेरेंट है वो ब्लैक में आएगा। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे भी ब्लू है उसको मैंने रेड में लगाया है, ट्रांसपेरेंट को ब्लैक में लगाया है, इसको माइक होल्डर वगैरह दिए हुए हैं और बाकी पावर ऑन ऑफ का बटन है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऑडियो इनका है। तो बाकी मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, प्रोडक्ट कहीं से भी लो, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, बट हमेशा ना बिल पे सीरियल नंबर जरूर लिखवाना ताकि एट दी टाइम ऑफ वारंटी कोई दिक्कत ना हो, ताकि सर्विस सेंटर वाले बोलें जहाँ से भैया प्रोडक्ट लाए हो परचेज करके लाए हो वहाँ से सीरियल नंबर लिख ले आओ, तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और बाकी हम लिख के इसलिए भी देते हैं कि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है ना क्या सामान गया है और किसको गया है, तो मेरा जो पर्पज़ था ये बताना। बाकी एक बात करना चाहेंगे माइक को लेके, ठीक है, तो फिलहाल जो माइक है ना माइक की क्वालिटी, मैं काम करता हूँ एक डॉक्टर पंकज हैं जम्मू से, काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है उनका, नेचर भी काफ़ी अच्छा, सिंगिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो उन्होंने जब मुझसे लिया था उन्होंने क्लिप शेयर करती थी, मैंने उनको बोला था कि मुझे आप क्लिप भी शेयर करना, सो दैट मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो जब भी बनाऊंगा तो ये वीडियो में ये क्लिप आपकी जरूर शेयर करूंगा सिंगिंग के लिए। डॉक्टर पंकज हैं जम्मू से, तो एक क्लिप चलाते हैं आपके लिए। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, मैं तेरा ही ख्याल क्यों बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल है तेरी नजदीकी बेहिसाब थी जिसे मैं फासले भी तेरे बेमिसाल आए, मैं जो तुमसे दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूँ तेरा गरूर हूँ क्यों वैसे गुजरे, ये मोह मोह की धागे देख लिया आपने कैसा लगा कैसा नहीं आप जरूर बताना। सिंगिंग के लिए बहुत बढ़िया, कैरोके कंपैटिबल है, सिंगिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मल्टीपर्पज में काम आएगा, चाहे रेंट पे देना डीजे को रेंट पे दे दो, सिंगिंग करनी है सिंगिंग कर लो, ऑर्केस्ट्रा में चलाना ऑर्केस्ट्रा में चला लो, होली के टाइम चला लो, नए साल चला लो, सरस्वती पूजा में चला लो, कुछ ना कुछ तो ओकेजन आते ही रहते हैं, बर्थडे आ रहे होते हैं, तो उसमें माइक भी अच्छे दिए हुए हैं। फिलहाल मेरा जो पर्पस था प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देना संभवतः संपूर्ण हुआ, आई होप यू विल लव दिस वीडियो, इसी तरह प्यार दिखाते रहे इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहे, जय हिंद जय भारत बाय बाय।